छात्र छात्राओं नमस्कार। एमएससी महाविद्यालय अजपुरा के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। इसमें अपने जो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपने ये प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें जो आपका बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है वुमेन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, इस मानव भूगोल में अपने काफी टॉपिक क्लियर हो गए। अब जो अपना नया टॉपिक है वो है यानी जनसंख्या वृद्धि वितरण तथा घनत्व। तो इसमें हर बार राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पेपर चेक होता है उस पेपर में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा इसकी वृद्धि होने के कारण व इसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा इसकी वृद्धि को कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है इस टॉपिक का तात्पर्य समझना चाहिए कि जनसंख्या वितरण का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी जनसंख्या वितरण का तो जनसंख्या वितरण के अर्थ में सीधा सा अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी किस प्रकार फैले हैं, यानी जनसंख्या वितरण का स्पष्ट अर्थ इस एक लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि भूप्रस्थ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, फैले हुए हैं। विश्व की जनसंख्या, अब अपने इस चीज को देखिए कि विश्व की जो जनसंख्या है ये जनसंख्या कहीं काफी अधिक है तो कहीं काफी कम है, कहीं न्यून है तो कभी कहीं अधिक है, यानी जो जनसंख्या वितरण का जो वितरण है उसकी असमानता पाई जाती है। और असमानता पाई जाने के भी कई रीजन है वो आपको स्पष्ट है। जैसे मान के चलो किसी क्षेत्र में काफी ठंड पड़ती है यानी माइनस से भी कम टेम्परेचर होता है, तो माइनस में टेम्परेचर होता है तो उस क्षेत्र में क्या काफी ठंड पड़ती है तो वहां क्या बंद जमती है, तो उस क्षेत्र में लोग क्या अपने आवास क्षेत्र में जा पाते। अब कई क्षेत्र ऐसे हैं इसके अलावा जैसे मान के चलो मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे सहारा का मरुस्थल है, गोमती का मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल है, कालाहारी है, ये मरुस्थल वो 48 डिग्री के आसपास हमेशा 48 डिग्री के आसपास रहता है। इस वजह से वहां जनसंख्या न्यून व उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है निर्जन क्षेत्र का तात्पर्य इसका सही है कि जहां पे जनसंख्या नहीं पाई जाती है यानी न्यून पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है निर्जन क्षेत्र। तो इसमें जनसंख्या वितरण में ज्यादा जो प्रभावित कारक है उनमें सबसे ज्यादा होती है जलवायु मनुष्य के वितरण को क्या करती है प्रभावित करती है। तो इसमें विश्व की जनसंख्या अत्यंत असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के वितरण के संबंध में जो एशिया की जनसंख्या है उसके वितरण में जाति बी प्रेषी का कथन है
जाल बी पेशी का कथन है, यानी जाल बी पेशी ने कहा एशिया की जनसंख्या के बारे में कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत अधिक स्थानों पर कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, बहुत अधिक लोग रहते हैं यानी इससे स्पष्ट हो रहा है जांच की दृष्टि के अनुसार कि एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यानी इसकी जो वितरण है वितरण को काफी प्रभावित हो रहा है। तो इनसे ही पता चल रहा है कि अनुमान यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 90% इसके 10% स्त्री भाग पर, यानी 90% लोग स्त्री, इसके 10% स्त्री भाग पर, जबकि 10% 90% भूभाग पर निवास करता है। यानी सीधा सा इसका अर्थ है जनसंख्या का 90% इसके 10% भाग के बराबर, जबकि 10% के 90% भाग के बराबर जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या 10 आबादी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निवास करती है, यानी विश्व की जो 60% से अधिक जनसंख्या है वो 10 स्थानों पर निवास करती है। वो 10 स्थान कौन कौन से हैं? जैसे पहला स्थान है चीन, उसके बाद में भारत, भारत के बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर में, पांचवें नंबर में है ब्राजील, और ब्राजील के बाद में है 6 नंबर में पाक के बाद में नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस व जापान। ये 10 ऐसे स्थान हैं जहां पर 60% से अधिक पॉपुलेशन रह रही है, यानी 10 स्थान ऐसे हैं जहां पर 60% से अधिक मनुष्य निवास करते हैं, जिसमें पहला चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील और ब्राजील के बाद में पाकिस्तान, नाइजीरिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद में है रूस व जापान।
जहां पर 60% से अधिक मनुष्य या आबादी निवास करती है। तो इसमें ज्यादातर कई लोग आरबीएससी जो सेक्रेटरी है उसमें से पूछा गया था कि 1% से अधिक आबादी वाला देश इंड में से कौन सा है, तो उसमें जापान का नाम था और बाकी अदर से तो उसमें जापान सही था। तो दो 10 स्थान ऐसे स्थान है जहां पर विश्व की 10-60% आबादी या प्रति निवास करती है, जिसमें सर्वाधिक यानी 136.1 करोड़ जनसंख्या निवास किसकी है, चीन की है, यानी 136 करोड़ जनसंख्या किसकी चीन की है और 123 करोड़ किसकी है भारत की, 123 करोड़ भारत की, ऐसे कुल मिलाकर यानी ये अपने आप में आबादी वाले क्षेत्रों में काउंट किए जाते हैं। तो विश्व की जनसंख्या का ये 136 करोड़ कितना हो गया, 13%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 13% यानी 19.3% कहां निवास कर रहा है, चीन में, चीन में निवास कर रहा है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 19.3% चीन में निवास कर रहा है और वैसे 130 करोड़ जो भारत की है वो 17.5 विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% किसमें, भारत में निवास कर रहा है। तो 17.5 देशों की जो आबादी है वो तो बहुत न्यून है। तो इस चीज को देखते हुए विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम व 80% जनसंख्या 500 मीटर की कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है 200 मीटर से कम व 80% जनसंख्या 500 मीटर की कम ऊंचाई तक या कम ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है, निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% यानी जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका 90% उत्तरी गोलार्ध में तथा 10% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। यानी बहुत मुख्य पॉइंट है यानी विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 60 विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 90% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यानी स्पष्ट है विश्व की जनसंख्या का 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 10% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यह अपनी क्या है, अपनी ये पृथ्वी है, यह अपनी ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, जीरो डिग्री जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद में ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री, ये 66 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध।
ये एक ग्लोब है, तो इस ग्लोब पे जो जीरो डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से यानी एक डिग्री से लेकर 10 डिग्री यानी एक डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, एक डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक यानी यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो जनसंख्या निवास करते हैं कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम होने का कारण सीधा सा ये है, देखिए आपसे पूछा जाए, मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध पे ये मैंने लिखा है कि विश्व की जनसंख्या का 90% उत्तरी गोलार्ध में तथा 10% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम क्यों है, कम क्यों पाई जाती है? तो उसका सीधा सा आंसर आप दे सकते हो सटीक से कि दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम होने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ महासागर है, पानी पानी होने की वजह से यहाँ क्या है यानी पानी अधिक होने की वजह से यहाँ जनसंख्या निवास कम निवास करती है, यानी आपका जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो यही स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ जो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, वो कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर होने की वजह से वहां जनसंख्या निवास कम करती है, इसलिए ये क्षेत्र है जनसंख्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब एक डिग्री से 20 डिग्री 10% विश्व में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यानी 20 से 40 डिग्री ये 20 है, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 50% जनसंख्या निवास करती है यानी इस बैल में जो कि है, तो इस बैल में 50% निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो यहाँ की जलवायु है वो जलवायु बिल्कुल शीतकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यहाँ सारी चीजें क्या मानव के अनुकूल होती हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या काफी अधिक पाई जाती है। और 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य 30% जनसंख्या निवास करती है यानी यहाँ से लेकर 60 डिग्री यहाँ तक 30% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब इसके बाद में 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में यानी 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में यहां से लेकर यहां तक के टोटल 80% जनसंख्या निवास करती है। कितना? 80% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य 80% जनसंख्या यानी 80% आबादी निवास करती है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चीजें आपको अधिक से अधिक ध्यान रखना है। अब 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है यानी 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वो कितने 60 डिग्री से ऊपर स्टार्ट हो जाता है। आर्कटिक जो ध्रुव है वो 60 डिग्री से ऊपर स्टार्ट हो जाता है, तो वहां हमेशा क्या करती होती है? बर्फ जमी होती है। अब बर्फ जमने की वजह से वहां मानव का अनुकूल नहीं होता और मानव के अनुकूल नहीं होने की वजह से वहां जनसंख्या कम निवास करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 9% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है और विश्व की 9% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है और विश्व की 50% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 50% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर निवास करती है। ये आपको हमेशा के लिए इन चीजों को ध्यान रखना है। और विश्व की 75% जनसंख्या समुद्री तट से 1000 किलोमीटर से कम दूरी, 66% जनसंख्या समुद्र तट से 500 किलोमीटर से कम दूरी पर बसी हुई है। विश्व का केवल 2/3 भाग यानी विश्व का
केवल 2/3 भाग ही आवास योग्य है, यानी विश्व का 2/3 भाग केवल आवास के योग्य है, यानी क्षेत्र है जानते हैं। अब विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाले देश, तो विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाले देशों में सबसे पहला जो है वेटिकन सिटी, यानी जेके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो देश है वेटिकन सिटी के नाम से है, वहां 836 है, उसमें रिनो है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां जनसंख्या बिल्कुल न्यून पाई जाती है, क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं, जैसे तुआ जो है ना वो है ये अफ्रीका माध्यम में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका माध्यम में क्या है, कालाहारी मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास जनसंख्या न्यून पाई जाती है। इसके बाद में जो जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण एंड घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य बिंदु है। एग्जाम की दृष्टि से देखा गया है तो मुख्य बिंदु है न तो उच्च तापमान हो
तापमान हो वह वर्षा भी ना तो अधिक हो और ना काफी कम हो, उस क्षेत्र में जनसंख्या काफी अनुकूल पाई जाती है क्योंकि वो मानव के रहने के योग्य क्षेत्र माना जाता है। अब वो क्षेत्र कौन से है? जैसे मानसूनी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु और भूमध्य सागरीय और भूमध्य सागरीय जलवायु, ये क्षेत्र है मुख्य रूप से यहां पर जनसंख्या काफी अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जो मानसून है वो मानसून वर्षा भी क्या होती है, यानी समान तरीके से होती है, न तो ज्यादा होती है ना कम होती है, यानी लगभग समान होती है। समशीतोष्ण जलवायु में कोई आदत है, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु का अपने क्षेत्र है, यानी जीरो से लेकर अपने 20 डिग्री के जो बीच वाला क्षेत्र है ये समशीतोष्ण या भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो कृषि कार्य है वो इसी क्षेत्र में होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो भौतिक कारक है, भौतिक कारक में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो है जलवायु। जलवायु मानव अधिवासों को प्रभावित करती है, मानव के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अब इसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में जैसे दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में मिलती है। विषम तथा गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां अत्यधिक उच्च या अत्यधिक न्यून तापमान में वर्षा हो जनसंख्या बहुत ही कम निवास करते हैं, जैसे विषम श्रेणी के आंध्र प्रदेश, उष्ण शुष्क मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश यानी रेगिस्तान जैसे थार का मरुस्थल और जो टुंड्रा प्रदेश जहां हमेशा बर्फ जमती है उस क्षेत्र में जनसंख्या न्यून व जर्जन क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में जो 4 डिग्री से 21 डिग्री वाला यानी 4 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, तापमान मानवीय निवास के लिए क्या होता है, अनुकूल माना जाता है। यानी 4 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मानव के लिए अति उत्तम माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। यानी 4 डिग्री से लेकर 21 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो मानव निवास के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब इसमें जो मानव निवास के लिए अनुकूल होता है, अब इसके बाद में जो सेकंड कारण है जलवायु के बाद में जो आपने भौतिक कारक है उसमें जो दूसरा कारण है इसका प्रति आप ऊंचा वर्ष, दूसरा है स्थलाकृति व ऊंचा वर्ष यानी धरातल। जलवायु के बारे में प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो है धरातल यानी ऊंचा वर्ष। ऊंचा वर्ष भी काफी मनुष्य को प्रभावित करता है, जैसे उबड़ उकावट क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसमें जनसंख्या न्यूनी रहती, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है यानी जो नदियों के द्वारा काप मिट्टी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनसंख्या काफी अधिक रहती है। तो लोग समतल मैदानी व मंद ढाल वाले क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि, परिवहन के साधन, सिंचाई और उद्योगों का विकास आसानी से होता है। इसलिए विश्व की जनसंख्या के 4 सबसे बड़े समूह पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और पूर्वी यूएसए के मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यह फैक्ट्री बात है कि जो पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, यूरोप है और पूर्वी यूएसए है के मैदानी भाग है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास होने का यही कारण है क्योंकि वहां पर जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित हुआ है, नदियों के द्वारा। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, काम मिट्टी
तपस्वी के कार्य में बहुत उपजाऊ होने की वजह से वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद में जो तीसरा है वो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीनी यानी सिक्किम व सिक्किम का मैदान विश्व के सर्वाधिक संगम बसे हुए क्षेत्र माने जाते हैं। यानी भारत में तो कौन सा ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यानी सिक्किम नदी का क्षेत्र काफी घने क्षेत्र माने जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे नीचे धरातल के कारण कृषि परिवहन उद्योगों का विकास आसानी से नहीं होता, इसीलिए पर्वतीय भागों में जनसंख्या न्यून पाई जाती है इसके बाद में जो तीसरा कारक है भौतिक कारकों में जो तीसरा कारक है वो है मिट्टी यानी मृदा। मृदा भी जो मानव निवास है उनको क्या करती है एक तरफ से क्या करती है प्रभावित करती है। तो तीसरा जो कारक है वो है मिट्टी सॉइल है। ये सॉइल भी क्या है कि मानव जाति को प्रभावित करती है। वो जैसे उपजाऊ मिट्टियां वनस्पति का क्या होती है आधा होती है और वनस्पति मानव के भोजन का उपजाऊ मिट्टी सैदे मानव को क्या करती है आकर्षित करती है और उपजाऊ करोड़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास अच्छा हुआ है और इसीलिए नदी घाटों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है जैसे गंगा नील मिसिसिपी मिसौरी इरावती सिंधु चाकोफिया हांगो या ऋषिकेश आदि नदियों के क्षेत्रों में उपजाऊ जरूर मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या मिलती है। इसके बाद में जो जल की उपलब्धता जो भौतिक कारक है उसमें चौथा है जल की उपलब्धता और वो है जल की उपलब्धता। जो जल की उपलब्धता है ये जल की उपलब्धता मानव जाति को प्रभावित यानी मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो रोटी कपड़ा और मकान है। यदि रोटी कपड़ा मकान मानव को मिल जाता है तो सबसे पहले जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए पानी चाहिए। यदि पानी नहीं है तो मानव जाति जीवित नहीं रह सकती, इसलिए जल की उपलब्धता एवं जल होना आवश्यक है। जिस क्षेत्र में पानी है उस क्षेत्र में जनसंख्या का बचाव काफी अधिक देखने को मिलता है। ये है इसके बाद में खनिज पदार्थ यानी पांचवा कारक है वो है खनिज पदार्थ यानी खनिज पदार्थ। जिस क्षेत्र में खनिज निकलते हैं वहां मानव अपने व्यवसाय के लिए वहां अपना निवास क्षेत्र बनाता है और वहां अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वो अपना एक स्थान बना लेता है। तो इसमें खनिज पदार्थ जैसे औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धता ने जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित किया और खनिजों से संबंधित कुल उद्योगों को आकर्षित करते गए तथा खानों में काम करने के लिए कुराल है अर्ध कुशल जनसंख्या इन क्षेत्रों में बसी है। आर्थिक कारण में अपने जैसे बात करें ये तो क्या भौतिक कारण है इसके बाद से आर्थिक कारक यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में क्षेत्र है आर्थिक कारक में सबसे पहला जो कारक है वो है एग्रीकल्चर कृषि यानी कृषि मानव को प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में पानी की आवक है उस क्षेत्र में कृषि होगी कृषि अधिक होगी तो उस क्षेत्र में मानव अपने आप को व्यवस्थित ढंग से आगे विकास करेगा। तो इसमें जिन प्रदेशों में कृषि का विकास अच्छा हुआ है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। चीन व भारत में अधिकांश जनसंख्या निवासी पर ही आधारित है क्योंकि भारत की 70% आबादी इस पर निर्भर करती है एग्रीकल्चर पर खेती पर और खेती के पश्चात वो खेती के माध्यम से पशुपालन को अपना आधार स्तंभ मानते हैं। अब इसमें कृषि में पंपाज है पेरी है स्टेप्स है घास के मैदान विकास कृषि विकास की रेट काफी कारक सिद्ध हुए हैं। औद्योगिकरण नेक्स्ट है जो आर्थिक कारक में औद्योगिकरण जो उद्योगों पर जो निर्माण हुआ है वो भी
नगरीकरण, नगरीकरण में इसी में आर्थिक कारक में एक अपना पहलू रखता है कि नगर नियोजन के बेहतर अवसर शैक्षिक और चिकित्सा संबंधित सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधन भी मानव जो जनसंख्या वितरण के घनत्व है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या का वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा हो गया, यानी पहला कारक था भौतिक कारक जिसमें जलवायु है, इसका काम की उच्चांक है, तीसरा है भूमिया, चौथा है जल की उपलब्धता, पांचवा था खनिज पदार्थ। और आर्थिक कारकों में कृषि है, खनिज पदार्थ है और